चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं शंभू बॉर्डर, जहां दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, भारी तादाद में यहां पर पुलिस बल तैनात है और किसान भी यहां पर मौजूद है और आंसू गैस भी यहां पर छोड़ी जा रही है किसानों पर। दिल्ली में धारा 144 लागू है और आपको बताते चले कि पंजाब और हरियाणा से जुड़ी सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा यहां पर की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। इससे पहले भी हमने देखा था कि किसानों को, किसान नेताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, लेकिन अब यहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। आंसू गैस यहां पर छोड़ी जा रही है और तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे जा रहे हैं। तो तमाम इंतजाम यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं और किए भी जा चुके हैं। बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है, कंटीले तार लगाए गए हैं, आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े जा रहे हैं और आप देख सकते हैं किसानों में भगदड़ मची हुई है, किसान दूसरी तरफ भाग रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं किसानों पर। और ये तस्वीरें आपको खबर पास एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, आप देख सकते हैं किसानों की 12 मांगे हैं और उन्हीं मांगों को लेकर किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अब कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन लिया गया है। और आप देख सकते हैं शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस की गोले दागे जा रहे हैं। किसान यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं।